इधर गुरुग्राम के नेहा सिरोही 4 सालों से बेसहारा बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में जागरूक कर रही है। बेसहारा बच्चों को खाना खिलाना, प्राथमिक शिक्षा देने पर नेहा काम कर रही है। नेहा का कहना है कि रोटी, कपड़ा और मकान की तरह शिक्षा भी हर बच्चे के लिए जरूरी है। इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। इस पूरे अभियान में उनका साथ निभा रही है पूनम ठाकुर और शशि सिंगल, जो बच्चों के शिक्षा और खाने के काम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मैं आप जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाती हूँ, उनको पॉजिटिव सोच से देती हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से हमें बताएं, आपका जो कैसे आप ये काम करते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्पायर मॉल के साथ ही जो झुग्गियाँ हैं यहाँ के बच्चों को हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हेल्थी फूड, और उसके साथ ही हम उन्हें प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स से हमें ये पता चला कि यहाँ पे वो लोग बोलते हैं हम एजुकेशन देना चाहते हैं बट उनके पास कोई सोर्स नहीं है, तो हम लोग उन बच्चों को वो सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो प्राइमरी एजुकेशन लेके हम उनका आगे किसी अच्छे स्कूल्स में एडमिशन करा दें या उनका नाम लिखवा के वो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो लोग। आपको ये सामाजिक कार्य का जुनून कब से जागा और कहाँ से आपको ये शिक्षा मिली कि मैं ये कार्य करूँ? बचपन से ही था ये, तो जो चीजें देखी थी और कुछ अपना भी एक्सपीरियंस था कि बेसिकली मेरा बैकग्राउंड कोई इतना अच्छा नहीं है, मुझे भी बहुत वो था, मैं बहुत एम्बिशियस थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो करना चाहती थी वो लाइफ में नहीं हुआ। तब दिमाग में ये चीज़ आती थी कि अगर कोई सपोर्ट करे थोड़ा सा भी तो बहुत कुछ हो सकता है, वहीं से ये चीज़ मन में थी। और शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, तो मैं शुरू हो गई। आपकी संस्था का पूरा नाम होगा? हमारी संस्था का नाम है इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कैसे कार्य करती है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है और देश में कितनी जगह पर अभी ये कार्य कर? हमारा जो स्लोगन है वो है बेटी सम्मान राष्ट्र सम्मान। हम लोग बेसिकली ह्यूमन राइट्स, जो लोगों के मानव अधिकार है, उन चीज वो मानव अधिकारों से लोगों को अवेयर कराते हैं, उसमें सभी तरीके से फीमेल्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है, बच्चों के ऊपर भी काम किया जा रहा है, मैं बच्चों के ऊपर काम कर रही हूँ, फीमेल्स के ऊपर भी किया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है मानव अधिकार से रिलेटेड तो वो हमें कंसर्न करते हैं। और ये हमारी संस्था है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है हर जगह। हमारे प्रधानमंत्री का एक नारा है आत्मसम्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत। आप आत्मनिर्भर के साथ साथ जो इन गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको आत्मसम्मान में कितना है इसमें भागीदारी आपकी सोसाइटी? हमारी सोसाइटी अभी भागीदारी कर रही है, वही चाहते हैं हम कि हमारी भागीदारी और ज्यादा हो। अभी तो देखिए जितनी हमारी लिमिट्स है, जितने हर एक की लिमिट होती है, हर एक इंसान की वो इतना ही कर सकता है, तो हमारी जितनी लिमिट है हम उतना कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर सभी लोग हमारे साथ जुड़े तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गुड़गांव में आप काम कर रही है और एक पोज एरिया में काम कर रही है।